हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति के निर्देश अनुसार एसडीओपी गीता भारद्वाज मार्गदर्शन में हत्या के प्रकरण का प्रेस वार्ता में खुलासा हुआ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दिनांक 27 मई 2020 पतारा चौकी के पास अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान आनंद अहिरवार सन ऑफ जीवराम अहिरवार निवासी रिचारी के रूप में हुई। सिविल लाइन पुलिस के द्वारा मृतक की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान पाया गया कि मृतक के एक भाई रिंकू, मृतक की पत्नी भारती अहिरवार से अवैध प्रेम संबंध है। मृतक के भाई रिंकू ने अपने मामा के लड़के कल्लू और फानल निवासी सोंडा और बहन सीमा अहिरवार, पत्नी स्वर्गीय मनसाराम अहिरवार निवासी सिरसा, मृतक की पत्नी भारती के साथ मिलकर मृतक आनंद अहिरवार की हत्या का षड्यंत्र रचकर गले में रस्सी का फंदा डालकर सबको खींचकर हत्या की है। मृतक के संबंध में सबूत छिपाने के लिए मृतक शव को रिंकू कल्ली सीमा ने मोटरसाइकिल MP 32 MG 6122 का इस्तेमाल कर पता चौकी के पास फेंक दिया था और सबूत मिटाए गए थे। दिनांक 27/5/2020 को एक सूचना प्राप्त हुई, बतारा चौकी और पॉलिटेक्निक कॉलेज के बीच में एक लाश पड़ी हुई है। सूचना पर से थाना प्रभारी शशांक अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, तब तक उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई थी कि एक कौन व्यक्ति, उसके हाथ पे कुछ लिखा हुआ था आनंद भारती ऐसा करके लिखा हुआ था। शशांक थाना प्रभारी जी ने उसका PM कराया। PM कराने के बाद फिर उसकी शिनाख्त हुई, पता चला कि ये फला गांव का है। जो तो उस गांव में जाकर उसने तस्दीक की। बीच में ये एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ये इसकी बहन और पत्नी और इसके भाई के बीच में कुछ ऐसे संबंध है जिनकी वजह से ये हत्या हो सकती है। इस पर इसने बहुत स्टडी की तो खुलासा हुआ कि मृतक के भाई और उसकी बीवी के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए थे, जिसका विरोध मृतक ने बहुत किया, जिसके कारण से मृतक की पत्नी, उसके भाई और उसकी बहन और मृतक के भाई ने अपने मामा के लड़के को शामिल करके इसकी हत्या कर दी।